हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला रेलवे एग्जाम। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है, अपन एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो आने वाला है डिसीजन मेकिंग। आज अपन डिसीजन का मतलब है निर्णय लेने वाले हैं। कोई भी आपको डाटा दिया जाएगा, उसमें आपको निर्णय लेना। जैसे कि आपको जो नौकरी चाहिए है, जॉब चाहिए है, तो आपको निर्णय लेने पड़ेंगे कुछ लाइफ में, है ना, कि किन लोगों से दूर रहना है, किन लोगों के पास रहना, तैयारी कैसे करनी है ना। तो भैया सभी लोग लाइव आ जाएं, कमेंट करके बता दें सर आपकी आवाज़ और आप प्रॉपर दिखाई सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुमित यादव आजमगढ़ कह रहे हैं, सर आपका समझाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो थैंक यू भाई सुमित, है ना। सुपर किंग अनुज कह रहे हैं हाय सर, तो हेलो भाई। सोनाली कुमारी गुड इवनिंग सर जी, तो गुड इवनिंग। प्रमोद कह रहे हैं चरण स्पर्श सर जी, तो चरण खुश रहो भाई। तानिया सिंह कह रही हैं कि गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग। एस एन चौहान का भी मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग सर। तो भैया सभी लोगों गुड इवनिंग, आ जाएं सभी लोग, कमेंट कर दें, लाइव है थम्सअप कर दें, यस सर चीज़ें सही चल रही हैं, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो चलते हैं आगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, ALP वाले बच्चों के लिए क्या चल रहा है, शून्य बैच कंप्लीट चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपकी तीनों क्लासें बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो रही हैं। 7 बजे आपको मिलती है साइंस की क्लास योगी सर के द्वारा, आप सभी लोग योगी सर के बारे में तो जानते ही हैं। फिर अभी आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग की क्लास 5:45 पे, ये भी सर अच्छा पढ़ाते हैं। मेन बात करते हैं कि 3:30 बजे जो आपने मैथ्स की क्लास पढ़ी थी ना, इस क्लास को बिल्कुल मत मिस किया करो, क्योंकि जो अनुराग सर है ना, ये मैथ्स बहुत ही गजब पढ़ाते हैं। आप इनसे एक बार पढ़ के देखिए मैथ, कोई भी टीचर हो, कोई भी लोग हो, सब लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन आप पढ़ाने का इनका तरीका देखिए एक बार, इतने अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि आपको पढ़ के मजा ही आ जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार जरूर क्लास लेके देखें, तो आप फैन हो जाएंगे फिर मैथ, आप अनुराग सर के अलावा किसी से नहीं पढ़ेंगे। तो बस एक बार आप 3:30 बजे लाइव आके सर से मैथ का आनंद लीजिए, ठीक है। भैया बच्चे जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं हाँ सर क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, निधि दीक्षित भी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग। हेलो सर अब भी है, अच्छा भाई गोविंद। तान्या का आ चुका है मैसेज, यस सर सही है चीज़ें, बीच वाले आप हैं। एस एन चौहान कह रहे हैं हाँ भैया बीच वाले हम हैं, ठीक है ऋषभ सर। अब देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा दिया रहता है इस तरह का, इन सवालों में क्या होता है ध्यान समझना, कुछ डाटा दिया रहता है। जैसे कि आप फॉर्म भरते हो कभी, तो आपने देखा होगा कि आप भारत के नागरिक हो, आपकी एज इतने इतने बीच में हो, आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी हो, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता, राष्ट्रपति की क्या योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इस टाइप के पागल दिवालिया ना हो, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना। तो अगर वो कोई भी व्यक्ति उन योग्यताओं को पूरा कर लेता है, तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है बनने के लिए, है ना, फिर वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही आप एलिजिबल किसी फॉर्म के लिए हो जाते हैं, मान लो किसी की फॉर्म में एज 25 लग रही है, लेकिन आप 26 के हैं, तो क्या आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप उस फॉर्म को भरने का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो बिल्कुल सेम इसी चैप्टर में आपको यहाँ पे वही चीज़ सेम लगानी है। आनंद कुमार कह रहे हैं PDF कहाँ मिलेगा सर, तो भैया PDF मिलता है टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम का भैया एक बार कमेंट में पिन कर दिया जाए लिंक, ताकि बच्चे जुड़ जाएं वहाँ से, PDF वगैरह डेली क्लास की ले लिया करें। तो आप देखो ध्यान से इस सवाल को पढ़ते हैं, और इस सवाल में क्या है, ये आपको जानकारी दी गई है कुछ, फिर इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। फिर इसके बाद देखना क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो पहले, फिर इसके कह रहे हैं कि ऊपर के आधार पर जो भी आपको डिटेल दी गई है वो अपने मन से कोई भी नहीं माननी है, जो भी दिया गया है वही मानना है। और फिर आपके पास ऐसे 5 ऑप्शन है ABCDE, ठीक है। और फिर सवाल है ये, आपसे पूछा जाएगा कि ये बच्चा क्या होगा, सिलेक्ट होगा या चयन होगा या नहीं होगा, कि निदेशक के पास भेजेंगे, कि प्रबंधक निदेशक के पास भेजेंगे, कि आंकड़े अधूरे हैं, तो इस बात की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए आइए सभी लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को पढ़ना, ठीक है। तो आओ भैया सवाल को पढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जानकारी पढ़ के उत्तर देना है, तो ये बात हम समझ रहे हैं इनकी। अब देखो ध्यान से, किसी कंपनी के पर्सनल मैनेजर के पद की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। किसी कंपनी के पर्सनल मैनेजर की भैया नियुक्ति करनी है, तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जो यहाँ पे शर्तें लिखी गई हैं। अब शर्तों को आप पढ़ के ध्यान से समझो क्या करना है। कह रहे वह 1/6/2015 को 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तो अब आप एक बात देखो, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, 35 से ज़्यादा नहीं, है ना, 35 से ज़्यादा ना हो। तो एक आयु मिल गई हमें कि भैया 35 से वो व्यक्ति ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, पर्सनल मैनेजमेंट में परास्नातक होना चाहिए, मतलब
परास्नातक का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट भैया को होना चाहिए। स्नातक के बाद होता है परास्नातक, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, पर्सनल अधिकारी मैनेजर के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। तीसरा पॉइंट ये है, शॉर्ट में हम आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं कि 5 साल का अनुभव, ठीक है। आगे देखो, कह रहे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो चौथा अपनी जो योग्यता है, जो शर्त है, वो है इंग्लिश। अब आप हमें ये देखो कि कोई भी व्यक्ति जो चारों ये योग्यताएं पूरी करता है कि 35 से ज़्यादा ना हो, पीजी किए हो मैनेजमेंट में और 5 साल का अनुभव लिए हो और इंग्लिश अच्छी बोल लेता हो, है ना, इंग्लिश का अच्छा ज्ञान हो, तो इतनी अगर चारों योग्यता वो रखता है तो फिर वो वहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। अब देखना, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा जिसके पास एक या दो शर्तें नहीं होंगी, तो उसके लिए कुछ छूट भी है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के लिए रिजर्वेशन रहता है, जैसे ओबीसी एससी एसटी, है ना, और जैसे गोरखा से गोरखा वाले जो लोग होते हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग, उन्हें अलग थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार इनको छोड़कर अन्य शर्तें पूरी करता हो, जैसे इनको छोड़कर अगर कोई अन्य शर्तें पूरी करता हो, जैसे कौन सी शर्तें हैं वो, ऊपर दी गई शर्त ए को छोड़कर शेष शर्तें पूरी करता हो, परंतु उसके पास पर्सनल मैनेजर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। अगर मान लो उसके पास ए वाली योग्यता नहीं है, मतलब 35 साल से वो ज्यादा का है, 35 साल से अगर ज्यादा का है, तो उसे क्या होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तो फिर उसे 10 साल का अनुभव होना चाहिए, और फिर इस केस में उसे विचार के लिए कहाँ भेजेंगे, तो आप ध्यान से देखो, उसे विचार के लिए निदेशक के पास भेजना होगा, ठीक है। तो अगर 10 साल का उसे अनुभव है, तो फिर उसे निदेशक के पास भेजेंगे। तो कहने का ये मतलब हुआ यहाँ पे क्या, कि पहला पॉइंट अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ए पॉइंट उसके पास नहीं है, तो फिर भैया क्या होगा, तो फिर ये होगा कि उसको 10 साल का अनुभव हो, तो फिर हम किसको, निदेशक के पास उसे भेज देंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, अगर मान लो उसके पास शर्त सी कंप्लीट नहीं हो रही है, शर्त सी अपनी ये वाली है 5 साल वाली, अगर शर्त सी उसकी कंप्लीट नहीं है, तो उसे क्या करना है, तो उसे पर्सनल मैनेजर में पीएचडी की डिग्री हासिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, तो फिर पीएचडी की डिग्री हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रबंध निदेशक के पास उसको भेजा जाएगा, प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक, और ऊपर वाले के केस में क्या था, निदेशक के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। बस इतनी जानकारी है, इतनी जानकारी के हिसाब से आपको 2-3-4 सवालों के आंसर देने हैं, 4 सवालों के, 1-2-3-4 जानकारी सिर्फ इतनी है, इन्हीं के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट होगा, कौन सा नहीं। तो आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ऑप्शन चुनना है ए बी सी डी ई में, तो कह रहे हैं अदिति को पर्सनल मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री हासिल है, पीएचडी की डिग्री इनके पास है। तो सबसे पहले देखो, इनके पास पीएचडी की डिग्री है। दूसरी अगर हम बात देखें, 2 वर्षों से कंपनी में काम कर रही है, ठीक है भैया, 2 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। आगे कह रहे हैं अच्छा अंग्रेजी का ज्ञान है, तो यहाँ पे लिख दो इंग्लिश का नॉलेज भी है इनको। देख रहे, अपन को ये डिसाइड करके बताना है ये बच्चा क्या होगा, सिलेक्ट होगा नहीं होगा, पर्सनल निदेशक के पास भेजा जाएगा या प्रबंध निदेशक के पास भेजा जाएगा, कि आंकड़े अधूरे दिए गए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अपन को यहाँ पे डिसाइड करनी। हाँ भैया, बच्चे बहुत सारे आ चुके हैं, आलोक भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग भाई, मोहिनी शर्मा जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर जी, है ना, तो बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। सौम्या भदौरिया भी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग, है ना। देखो ध्यान से, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तथा उसका जन्म 2 अक्टूबर 1979 को हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, आपको कैलकुलेट करना है 1/6/2015, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 21 साल हो गए, 21 और 15 36 साल, मतलब कि एक बात तो क्लियर है, उम्र ज़्यादा है, 36 साल उम्र है, जबकि हमारा पहला पॉइंट ये था कि 35 से ज़्यादा ना हो। अगर 35 से ज़्यादा उसकी उम्र है, 35 से ज़्यादा उसकी उम्र है, तो फिर उसे 10 साल का अनुभव होना चाहिए, है ना। तो आप ये देख रहे हो, 10 साल का इन्हें अनुभव भी नहीं है, 10 साल का अनुभव भी नहीं है, और इन्हें क्या है, उम्र भी इनकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये बताओ, पहला वाला कैंडिडेट सिलेक्ट होगा या नहीं, बताओ सभी लोग कि कैंडिडेट पहला वाला सिलेक्ट होगा या फिर नहीं, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान से देखो, इनके पास पीएचडी की डिग्री तो है, अनुभव भी 2 साल का है, लेकिन आप ये देखो इनकी एज 2 नवंबर 1979 के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें, 1/6/2015 को ये 36 साल के आसपास हो जाएंगे। तो अगर 36 के, तो हमें 35 से बड़े तो नहीं चाहिए थे ना, इसका मतलब इनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा,
इनके लिए कौन सा ऑप्शन चुनना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी, इनका चयन नहीं हो पाएगा। क्यों? ड्यू टू एज, एज ज्यादा है। तो सभी बच्चे बताएं यहां पे ये चीजें क्लियर है या नहीं। देखिए नीरज कुमार का सबसे पहले आंसर आ चुका है एक नंबर, एक नंबर नहीं दो नंबर आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये वाले कैंडिडेट की एज ज्यादा है और आपको पता था एज अगर ज्यादा हो तो आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए, तब आपको निदेशक के पास विचार करने के लिए भेजेंगे। तो इनके पास 10 साल का अनुभव भी नहीं है और उम्र भी ज्यादा चली गई, तो इसका मतलब ये चयन इनका हो गई नहीं। और दूसरे कैंडिडेट को देखते हैं क्या हुआ। दूसरे कैंडिडेट को ध्यान से पढ़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं या नहीं? देखिए अब बच्चों के बी आंसर आने लगे हैं। सबसे पहले आंसर किसका? बाबू राव, रूपम रॉय, भुवन, है ना, रेशमा भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग। हीरा कुमार का यहाँ पे बी आंसर आ रहा है। अब देखो प्रदीप सरकार पर्सनल मैनेजमेंट में परास्नातक है, मतलब इनके पास पीजी है, इनका ध्यान से देखना, पोस्ट ग्रेजुएट है ये मैनेजमेंट में। आगे कह रहे हैं तथा वह कंपनी में गत वर्षों से पर्सनल मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, पर्सनल मैनेजर के रूप में भी गत वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है, एन ईयर्स मान लेते हैं, गत वर्षों से ये काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने सालों से, ठीक है। और उन्हें अंग्रेजी पर अच्छा अधिकार है, मतलब कि अंग्रेजी भी आती है इंग्लिश भी आती है, ठीक है भैया। आगे देखो चार पॉइंट थे अपने, कह रहे इनका जन्म इतने इतने को हुआ, तो आप ये देखो इनकी भी उम्र कितनी, 36 के पास हो गई, 36 के पास, तो आपको पता है 35 से ज्यादा उम्र का नहीं ले सकते, है ना, 35 से ज्यादा उम्र का नहीं लेंगे। और पीजी होने चाहिए, तो आप देखो पीजी होनी चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए और 35 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो इस बंदे के पास सब कुछ है, सब कुछ है, बस आप ये देखो कि एक चीज नहीं है, कौन सी? अनुभव वाली, है ना, 5 साल के अनुभव वाली। लेकिन इन्होंने पीएचडी भी नहीं की है, उम्र इनकी क्या है? 36 साल हो गई, हाँ उम्र 36 साल है। इसका मतलब ये वाला ए वाला पॉइंट यहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और ए वाले पॉइंट के लिए क्या 10 साल का अनुभव चाहिए था। तो अब आप ये देखो 10 साल में हमें ये नहीं पता एन की वैल्यू 10 है या नहीं। एन की वैल्यू अगर 10 है तो फिर ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू 10 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें आइडिया नहीं है 10 है नहीं, 10 है या नहीं, तो हम इसके लिए क्या करें, निदेशक के पास इसको भेज देंगे। निदेशक के पास अगर भेज देंगे तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ इनकी उम्र यहाँ पे हो गई है 36 साल। 36 साल का आपको अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा, 35 से अगर आप कम नहीं हो, तो इसके लिए आपको भैया क्या करना है, आपके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए। 10 साल का अनुभव के लिए हमें पता है ये कंपनी में गत वर्षों से मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, है ना, तो मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं गत वर्षों से। तो अब क्या करेंगे, अब ये डिसाइड करेगा पर्सनल मैनेजर, उससे जाके ये बात करेंगे कि भैया कितने साल का अनुभव, क्योंकि उन्हें अनुभव तो नहीं बताया है, कई पिछले सालों से ये काम कर रहे हैं, तो जाके इंटरव्यू में इनसे पूछ लिया जाएगा कि आपने कितने सालों से आप काम कर रहे हैं। तो फिर आपका ये किसके पास भेजा जाएगा? निदेशक पर्सनल के पास भेजा जाना चाहिए। तो आशा करते हैं ये दोनों सवाल यहाँ पे क्लियर होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चे आंसर सी देने लगे हैं, तान्या सिंह का सबसे पहले सी, रूपम का सी, नीरज कुमार सी, सोनाली कुमारी सी, स्वामनी भदौरिया सी, लगातार बेहतरीन तरीके से सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलो इनका और देख लेते हैं, ये बच्चे क्या करेंगे, ये सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं। अब देखना इन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इनके पास भी पीजी है, इनको समझना निर्मला को, आपको बताना है। अब देख लो अपने पास इतनी पावर आ गई है, देख के ये बताएंगे कौन सा बच्चा सिलेक्ट होगा कौन सा बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से एक चीज देखो कि पीजी इनके पास है, ठीक है, उत्तीर्ण कर ली है, अंग्रेजी पे अच्छा अधिकार है, मतलब कि यहाँ पे इन्हें इंग्लिश भी आती है, पीजी तो है ही है और प्लस इंग्लिश भी है, पीजी के साथ साथ इंग्लिश भी है। आगे आप देखो तथा वे गत 5 वर्षों में से कंपनी में बतौर पर्सनल ऑफिसर के रूप में काम कर रही है, मतलब 5 साल का अनुभव बात करें तो 5 साल का अनुभव भी है भाई साहब के पास, ठीक है। आगे देखो भाई साहब नहीं बहन जी है, फिर कह रहे हैं उनका जन्म 1984, तो 16 साल ही हो गए 2000 होने में, और हमें कितने 15 तक काउंट करने हैं, 15 तक, तो 16 15 31, मतलब इनकी एज भी 31 साल है। तो आप हमें बताओ क्या ये बंदा सिलेक्ट हो पाएगा या नहीं। तो आप कहेंगे गुरुजी चार हमें चीजें चाहिए रहती, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंग्लिश पे अच्छा अधिकार, 35 साल से ज्यादा उम्र ना हो, और अंग्रेज 5 साल
तक इन्होंने कहीं काम किया हो, अनुभव हो, तो ये वाले जो बंदे हैं ना ये सिलेक्ट है, इसका चयन हो जाएगा। और सिलेक्ट होने वाले के लिए कौन सा ऑप्शन चुना जाएगा, उम्मीदवार का चयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब सभी बच्चे बता दें क्या यहाँ पे आंसर ए आएगा या नहीं। पिछले सवाल का सभी बच्चे आंसर सी दे रहे हैं। अब बताएं क्या निर्मला का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। निर्मला का भैया सिलेक्शन बता दीजिए, हो पाएगा या नहीं। जिन बच्चों का निर्मला का आ गया है वो अनीश का बताएं, अनीश का सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, आपको पता था इनके पास जो जो क्वालिटियां थी वो हमने यहाँ लिख दी, पीजी भी है, इंग्लिश भी है, 5 साल का अनुभव भी है, 31 साल उम्र भी है, तो इसका मतलब इनका चयन तो श्योर है, इनका चयन हो जाएगा। आगे देखो अनीश की क्वालिटी देख लेते हैं, अनीश की क्वालिटी क्या है। कह रहे पीजी है मैनेजमेंट में, तो ठीक है भैया पहला पॉइंट इन्होंने पूरा कर लिया, पीजी है। चार फैक्टर होते हैं, पीजी हो, आपके पास अनुभव 5 साल का, इंग्लिश अच्छी आती हो और उम्र 35 से ज्यादा ना हो, ठीक है, तो फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे देखो गत 7 वर्षों से, अनुभव कितने का है, 7 वर्षों का, पर्सनल ऑफिसर के पद पे कार्यरत है, ठीक है भैया, अंग्रेजी भी अच्छा अधिकार है, इंग्लिश भी आती है। अब हमें ये बताओ इनका सिलेक्शन करें कि नहीं, इन्होंने अपने सीवी में इतनी जानकारी दी है, ठीक है, तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट भी है, 7 साल का अनुभव भी है, इंग्लिश भी आती है, लेकिन इन्होंने अपने सीवी में क्या किया है, रिज्यूम में अपना वो नहीं बताया डेट ऑफ बर्थ, मतलब इन्होंने अपनी एज नहीं बताई, एज नहीं बताई, नहीं दी गई एज, नहीं दी गई, इसका मतलब इनकी क्या जानकारी अधूरी है, अधूरी जानकारी, इनकी अधूरी जानकारी है ना। कुछ लोगों की कहानी होती है, हमारी अधूरी कहानी, इनकी अधूरी क्या है, जानकारी। तो बस, तो यहाँ पे सभी बच्चे बता दें क्या जानकारी अधूरी है या नहीं। लेकिन सर उसका एज नहीं दिया, हाँ भैया एज नहीं दिया गया है, इस चक्कर में इनकी जानकारी अधूरी है, इनका तो एज दिया गया था डेट ऑफ बर्थ, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा कि जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी के लिए आंसर ई आएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई, जिसमें लिखा है आंकड़े अधूरे हैं। तो बताएं सभी बच्चे कि यहाँ पर ये चीजें क्लियर है या नहीं। भूरी घुमारी भी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग कह रही हैं, सॉरी सर लेट, तो कोई दिक्कत नहीं भूरी, अगर आप लेट हो गई हैं तो अब लगातार बच्चे डी, डी नहीं होगा आंसर ई होगा, क्योंकि ई वाले ऑप्शन में ये लिखा था कि जानकारी अधूरी है। अच्छा डी में क्या लिखा है, आप लोग क्या बता रहे हो कि प्रबंध, प्रबंध निदेशक के पास भैया इसको क्यों भेजेंगे, इसने तो अपनी एज ही नहीं बताई है ना, 35 एज है या कितनी एज, अगर 35 से ज़्यादा होती चीज़ें तो फिर हम ऐसा करते कि प्रबंध निदेशक के पास भेज देते, भाई ने अपनी एज ही नहीं बताई है, तो एज नहीं बताई है इसका मतलब जानकारी अधूरी है, ठीक है भैया। सवाल का आंसर दें, सवाल नंबर 5 से 11, जितना डाटा पढ़ लीजिए फिर अपन सवालों को लगाएंगे, तो पढ़ें सभी लोग। देखिए अब बच्चों के आंसर ई आने लगे हैं, सबसे पहले ई बाबू राव, फिर रूपम रॉय है ना, फिर नीरज कुमार चौधरी, बहुत बढ़िया भाई है ना, सोनाली कुमारी, बहुत ही बढ़िया, हीरा कुमार का भी ई आंसर आ चुका है, सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। चलते हैं आगे सवाल नंबर 5 की ओर, देखो ध्यान से इस सवाल को, कह रहे संगठन में अधिकारियों के चयन संबंधी मानदंड दिए गए हैं, ठीक है, कह रहे हैं प्रथम श्रेणी में कम से कम 60% अंक सहित HSC की परीक्षा पास की होनी चाहिए, तो पहला पॉइंट अपन को मिल गया HSC है ना, HSC में क्या हो 60% अंक कम से कम हो, 60% से ज्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो अपनी है HSC की परीक्षा में वो 60% है, इतनी बात क्लियर, तो पहला पॉइंट अपन ने समअप करके यहाँ पे लिख लिया। दूसरा कह रहे हैं कि किसी भी अनुशासन में, मतलब किसी भी चीज में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 55%, ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो इसमें कितना होना चाहिए 55%, ग्रेजुएशन आप किसी से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से, साइंस से, किसी से भी, आर्ट साइड से भी आप कर लो तो भी चलेगा। आगे का कह रहे हैं कंप्यूटर में सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कुछ होना चाहिए, कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा, डिप्लोमा हो तो भी चलेगा, डिग्री हो तो भी चलेगा, ठीक है, पाठ्यक्रम को पूरा किया होना चाहिए, इतनी बात के लिए तो 3 पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिए। कह रहे 1/7/2014 को 21 वर्ष से कम नहीं और 30 वर्ष से अधिक नहीं, मतलब आयु जो है ना, आयु 21 से 30, तो आप बताएं क्या ये चारों पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं, ये 4 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं, 1, 2, 3, 4, जो भी व्यक्ति इस पॉइंटों को पूरे कर देगा
चारों कंडीशन जिसके पास आ जाएंगी वो बंदा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसी रिलैक्सेशन भी दिए गए जिनको आपको समझना है कि रिलैक्सेशन क्या क्या दिया गया। कह रहे अगर दूसरा पॉइंट ना हो, दूसरा पॉइंट ना हो इसके लिए क्या हो, अगर ये ना हो तो फिर इनके पास हो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएट ना हो के पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर आपके पास दूसरा पॉइंट 55% से कम रह गया या कुछ और रीजन है तो आपके पास पीजी हो, तो इस केस में मामला ईडी के पास भेजा जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मामला कहाँ भेजा जाएगा, ईडी के पास। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, हमें क्या दिक्कत है, जो आप कहोगे हम वही मान लेंगे, आओ आगे। कह रहे तीसरा अगर ना हो, तो भैया अगर तीसरा ना हो, तीसरा पॉइंट में भी गड़बड़ है। अगर तीसरा मान लो कंप्यूटर में कोर्स मतलब कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कुछ भी नहीं है तो भैया क्या है इसके लिए, तो पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाओ, तो अपने वो सिलेबस में एक बार कंप्यूटर साइंस जरूर पढ़ाओ, है ना, सिलेबस में, सिलेबस में कंप्यूटर साइंस उसने पढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास ये डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो आपके पाठ्यक्रम में आपने ये कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ, ठीक है। तो मामला बीपी के पास भेजा जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास, बस। ये आपको तीन चार चीजें समझनी है, चारों पॉइंट का रिलेशन आपस में समझना है। मुस्कान यादव भी जुड़ चुकी है, आकाश भी आ चुके हैं, गुड, और पुष्पेंद्र भी आ चुके हैं, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए ध्यान से, 60% एचएससी, ग्रेजुएशन में 55%, कंप्यूटर में सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कुछ भी हो चलेगा, 21 से 30 के बीच की उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, इस केस में मामला ईडी के पास चला जाएगा। कंप्यूटर में सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री नहीं है आपके पास, इन तीनों में कुछ भी नहीं है, तो आपके सिलेबस में आपने सीएस पढ़ाओ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ, उस केस में मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा क्या मापदंड पूरे करता है। तो कह रहे आशुतोष, अब आपको डिसाइड करना है आशुतोष का सिलेक्शन करें या फिर नहीं, आशुतोष का सिलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है भैया। तो आप ध्यान से देखो, सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे आशुतोष वाणिज्य स्नातक है, और हमें पता है कि स्नातक चाहे जिसमें हो, स्नातक हो बस, 67% अंक सहित प्रथम श्रेणी में पास है। तो भैया ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में भाई साहब के कितने हैं, 67%, तो ठीक है, हमारे ये रिक्वायरमेंट थी 55%, इसके पास 67 है तो और अच्छा है। कह रहे एचएससी में उसे 73% अंक मिले हैं, तो बहुत ही बढ़िया भाई, एचएससी लिख लो यहाँ, एचएससी ध्यान से देखना, एचएससी इसमें कितने हैं भाई साहब के, 73%, तो 67% अंक वहां पे आए थे आपके ग्रेजुएशन में और 73% आपके आए एचएससी में। तो इतनी चीजें क्लियर है, आगे पढ़ते हैं आशुतोष की और क्या क्वालिटी है। कह रहे एचएससी में उसने एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, एचएससी में उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट पढ़ा तो है। उसकी जन्म इतने इतने तारीख को हुआ है, 1988 का है ये बालक, और 2014 तक जोड़ना है तो आपको पता 26 साल का ही हो गया, अगर हम नॉर्मल जोड़ लें 26 साल का लगभग हो गया है। तो आपको पता 21 से आपको कहां तक चाहिए था, 21 से अपन को चाहिए था 30 तक, तो मतलब कि एज भी इसकी 26 साल है, तो मतलब मामला ठीक है। अब देखो, अब आपको बताना है क्या ये बच्चा सिलेक्ट होगा आशुतोष या फिर नहीं, इसका मामला किसके पास जाएगा ये बताने की कोशिश करें। तो अब आप ये देखो, ग्रेजुएशन वाली बात 55 इधर पे है इसके 67, ठीक है, एचएससी की बात करें भैया एचएससी में क्या है 60 और इसके कितने हैं 73, तो ये दोनों पॉइंट तो इसके पूरे हैं। तीसरा देखते हैं, कंप्यूटर में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री नहीं है अगर, तो फिर सिलेबस में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ और बीपी के पास आपका मैटर चला जाएगा, और उम्र होनी चाहिए 21 से 30, तो 21 से 30, ये तीनों पॉइंट उसके पूरे हैं। लेकिन कंप्यूटर में उसके पास सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो लेकिन उसके पास एक सब्जेक्ट तो ऐसा है ना भाई जिसमें उसने कंप्यूटर साइंस एचएससी में पढ़ रखा है, तो उस केस में मामला बीपी के पास जाएगा। बीपी कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी ऐसा कह रहा है कि भैया कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एचएससी के सिलेबस में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ, तो इस बालक ने आज तो उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा था, इसलिए मामला कहां जाएगा, मामला जाएगा बीपी के पास, और बीपी का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं पांचवें का बी कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो लगातार बेहतरीन भाई, सभी लोगों का आंसर पांचवें का बी आ रहा है, तो बहुत ही सही। अब मैं ये देखना चाहूंगा किसने सबसे पहले आंसर दिया है, तो पांचवें का बी सबसे पहले आंसर आया है नीरज कुमार, ठीक है, वर्षा मीना, बाबू राव, सुनीता, तान्या, निधि, बहुत ही बढ़िया।
भूरी कुमारी, हीरा कुमार, बाबूराव, रेशमा, आकाश, रूपम, बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। स्वामनी, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर एकदम सही करेक्ट आ रहा है, तो बहुत ही शानदार। चलते हैं आगे सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 में कौन है भैया? रजनी, रजनीकांत को बताना है इनका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। तो देखिए भैया, बीएमएस की डिग्री की द्वितीय श्रेणी में 58%, ठीक है, और एचएससी में 65%। तो आपको पता है, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में महारानी ने कितने अंक प्राप्त करे? 58%, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट तो 55 थी, मतलब ये पॉइंट इनका क्लियर है। एचएससी में कितने? 65, अपन को चाहिए थे कितने? 60। तो भैया ये वाला पॉइंट भी इनका क्लियर है। एज देख लो और कंप्यूटर वाला और देख लो, तो एज इनकी 2013 में 25 साल है, तो मतलब इनकी एज भी ठीक है, एज भी यहाँ पे इनकी वेरीफाई हो गई। एक और बचा बस कंप्यूटर साइंस वाला, वो देखो, कह रहे उसने कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा पूरा किया है। तो भैया कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कुछ भी हो चलेगा। तो भैया यहाँ पे इनका कंप्यूटर साइंस भी इनके पास है, कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा है, तो बहुत ही बढ़िया, चारों पॉइंट इन्होंने पूरे कर दिए, तो इनको तो लोग घर से उठाने आएंगे, इसका मतलब इनका सिलेक्शन श्योर है। इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? उम्मीदवार का चयन ऑप्शन नंबर सी से उम्मीदवार का चयन हो जाएगा, चयन हो जाएगा, चयन होगा। तो बताएं इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं, है ना? देखिए बच्चे आंसर सी देने लगे, बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार। सबसे पहले आंसर दिया है सी नीरज कुमार, नीरज कुमार बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। रूपम राय, बाबू राव, तान्या, सोनाली, भूरी, है ना, और आकाश, पुष्पेंद्र, सुनीता, रूपम, बहुत ही बढ़िया भाई, सभी लोगों का आंसर यहाँ पे सी आ रहा है। अब देख लो, आसान होते हैं सवाल, बस आपको क्या करना है, अप्रोच सही रखनी है, कि मतलब पहले जो पॉइंट दिए हैं उनको डिटेल में अच्छे से समझ लो। अगर वो पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो फिर इन सवालों के आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, राज ग्रोवर की बात कर लेते हैं, तो जल्दी से आप सरसरी निगाह से चेक किया करो, फटाफट सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको क्या, कि प्रथम श्रेणी में 89% अंक लाए हैं ये एचएससी की परीक्षा में, तो एचएससी में 89 लाए, हमें तो 60 ही चाहिए थे, मतलब ये बात इनकी क्लियर है। 6 महीने बाद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लिया, कंप्यूटर में इनके पास सर्टिफिकेट भी है, तो दो पॉइंट पूरे हो गए। आगे देख लेते हैं, 86 का जन्म है, और हमें काउंट कब तक करना है? तो आप कहेंगे गुरुजी काउंट करना है हमें 14 तक, तो 14 और 14 28 साल, मतलब ये 28 साल के हैं, मतलब एज भी इनकी 21 से 30 के बीच की है, ये भी ठीक है मामला। आगे देखो और क्या कह रहे हैं, इंजीनियरिंग डिग्री में अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है, ठीक है भैया, तो इसके पास क्या है इंजीनियरिंग डिग्री में, मतलब बीटेक ईटेक में क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है अंतिम वर्ष में। तो अब आपको बताना है इसका सिलेक्शन होगा या नहीं, इसके लिए क्या करें। तो अब आप ये जानते हैं इसके पास तीनों चीजें हैं, एचएससी की परीक्षा 89% से पास की है, कंप्यूटर का भी इसके पास है, और इसके पास 28 साल उम्र है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं है इनके पास, इनके पास नहीं है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए 67% के साथ, लेकिन भाई साहब अभी अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, अगर अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं इसलिए इनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सेकंड पॉइंट को पूरा नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनका होगा चयन नहीं होगा, चयन नहीं होगा। अब बताओ चयन नहीं क्यों होगा? चयन नहीं इसलिए होगा, क्यों? क्योंकि चयन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, जबकि हमें कंप्लीट ग्रेजुएशन में 68% था, कितना था, इतने 67% तो अपन को मार्क्स चाहिए ही चाहिए थे, जबकि ये तो भैया अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। तो बच्चे बताएं यहाँ पे क्या आंसर कौन सा आएगा, कि चयन नहीं होगा, चयन नहीं होने के लिए आंसर कौन सा है? चयन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई। बहुत ही बढ़िया भाई, सभी बच्चे आंसर ई देने लगे हैं, तो बहुत ही शानदार भाई, सभी लोगों का साथ में का ई आंसर आ चुका है। सबसे पहले नीरज का फिर से, रूपम, सुनीता, तान्या, बाबूराव, रेशमा, पुष्पेंद्र, भूरी, सोनाली, बहुत ही बढ़िया, स्वामनी, आकाश, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है। चलिए जस्मीन के बारे में पता करते हैं, जस्मीन के क्या ख्याल है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनका सिलेक्शन कराएं या फिर नहीं कराएं? तो बताएंगे सभी बच्चे इनका सिलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं। कह रहे हैं 62% अंक के साथ कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है, नहीं पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना,
ये पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है कितने 62% के साथ, 62। देखिए आसान नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ तो आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये आसान इजी नहीं होते हैं। अब आप देखो HSC में 81%, HSC इसमें कितने हैं भैया, 81%। ठीक है, आगे अपन से कह रहे जन्म 85 में हुआ है, निकालना 14 तक है, इसका मतलब ये 29 साल का है, एज इसकी है 29 साल। ठीक है, और दोनों में HSC PG 29 साल उम्र है, और कंप्यूटर विज्ञान में किया है, तो मतलब कंप्यूटर साइंस में डिग्री इसके पास है। अब देखना है आपको इसके इसका सिलेक्शन करें या फिर नहीं, है ना। अब आप हमें ये बताओ इसका सिलेक्शन होना चाहिए, हाँ सेकेंड ईयर है ना सर, इसलिए ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है, तो भैया सेकेंड ईयर बीटेक अगर हुआ, अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है ना, अंतिम वर्ष में इसके पास, इसका मतलब अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, अभी वो पढ़ रहा है। जैसे कि बहुत सारे फॉर्म निकलने होते हैं, जब आप अपियरिंग होते हैं, मान लो ग्रेजुएशन हमारी चल रही है, तो आप ग्रेजुएशन वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब कि या फिर एक क्रूशियल डेट दी जाती है, उस डेट के पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप ग्रेजुएट माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है कि ग्रेजुएशन में इनके कितने मार्क्स हैं, मुद्दा ये बना कि ग्रेजुएशन में कितने हैं, जबकि आपको पता है कि टारगेट हमारा ये है कि ग्रेजुएशन में 67% होने चाहिए, जबकि इन जसमीन के साथ क्या है कि इनके ग्रेजुएशन में नंबर नहीं पता, ग्रेजुएशन में नंबर नहीं पता, इनके PG में पता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में इनके कितने हैं, 62। जैसे कि मान लो SSC CGL की अगर अपन बात करें, तो उसमें कहते हैं कि भैया ग्रेजुएट होने चाहिए, और 60% एक मान लेते हैं कि रख दिया उन्होंने कि 60% अंक मिनिमम होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, लेकिन आपने ये बताया कि तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% है, तो आपका सिलेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपने वो दी ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, जानकारी अधूरी है, जानकारी इन्होंने पूरी नहीं दी है, जानकारी अधूरी, इनकी जानकारी अधूरी है। ठीक है, और जानकारी अधूरी के लिए आप देखो अपन कौन सा ऑप्शन लगाएंगे यहाँ। निर्णय लेने के लिए जानकारी अपर्याप्त, तो ऑप्शन नंबर अपन यहाँ पे डी लगाएंगे। तो उम्मीद करते होंगे ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आठवें का यहाँ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, तो आंसर सी नहीं होगा, सी में क्या लिखा है, सी में लगता बच्चे कह रहे हैं कि चयन हो जाएगा, भैया चयन नहीं होगा, क्योंकि इसके ग्रेजुएशन के अंक नहीं दिए गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के दिए गए हैं, समझ रहे हो बात को, तो ये चीज है। आगे आओ सवाल नंबर 9 में, 9 वाला क्या कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस है BSc 58% अंक के साथ द्वितीय श्रेणी से पास हुआ है, तो ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो 58% के साथ, और कंप्यूटर साइंस तो उसके पास है ही, विज्ञान से है ना, कंप्यूटर साइंस तो उसके पास है ही, फिर कह रहे हैं कि 58% हो गए यहाँ, फिर उसने HSC में 76%, HSC में कितने हैं भैया, 76%, यहाँ पे भी चीजें क्लियर है, 76%। आगे क्या कह रहे हैं, उम्र उसकी 25 साल हो गई 2013 में, हम 14 में भी अगर निकालें तो 26 ही साल का होगा, मतलब एज है, HSC में इतने हैं, ग्रेजुएशन में भी इतने हैं, और उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है, तो अब बताओ 9वें वाले बच्चे का क्या होगा, ग्रेजुएशन भी भाई 58 है, 55 चाहिए थी, HSC में 76 है, अपन को तो 60 ही चाहिए थे, 60 जाने 67, एज भी इसकी एकदम सही है, और कंप्यूटर साइंस उसके पास एक डिग्री भी है, तो अब बताओ इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा भैया, इसके चारों पॉइंट क्लियर हैं, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होगा, चयन होगा। अब आपको ये देखना कि चयन होगा किस में लिखा है, कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि उम्मीदवार का चयन हो जाएगा, उम्मीदवार का चयन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में लिखा है, देख रहा हूँ ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चे बताएं चीजें क्लियर है या नहीं। देखिए बच्चों को ये चीजें बहुत कठिन लगती हैं, जबकि ये चीजें कठिन नहीं होती, बहुत ही आसान होती हैं, एकदम मलाई की तरह आसान, समझ लो सिर्फ उठा के खाना ही है, मजेदार एकदम, है ना। जिन बच्चों को अच्छी नहीं लगती उन्हें गुस्सा आ रही होगी, हाँ ये कैसे बात कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, राज का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि चयन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्होंने एज नहीं बताई, एज नहीं, एक क्या इनके पास क्या नहीं था, इनके पास ग्रेजुएशन क्या नहीं था अंतिम वर्ष में, अच्छा डिग्री कंप्लीट नहीं की थी इसलिए इनका चयन नहीं होगा। दूसरे में इन्होंने ग्रेजुएशन के बारे में नहीं बताया था कि ग्रेजुएशन ये कितने परसेंट से पास हैं,
और आगे इनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये चारों पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया भाई। अब चलिए हरीश का और वंदना का और बता दीजिए, हरीश का और वंदना का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, है ना? तो देखिए ध्यान से, इनका भी जल्दी चेक कर लेते। 2009 में 85% अंक के साथ एचएससी से इनका काम हो गया, मतलब एचएससी में इनका सिलेक्शन, मतलब कि ये एकदम श्योर कैंडिडेट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीएससी में मतलब ग्रेजुएशन में 69 और अपन को तो 67 ही चाहिए थे, मतलब ये भी ठीक है, 67 और 80 में, मतलब ये दोनों कैटेगरी से बाहर है। एचएससी भी इनका क्वालिफाई है और ग्रेजुएशन भी इनके पास है, और बीएससी में एक विषय के रूप में इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान भी पढ़ रखा है, एक विषय भी इनके पास कंप्यूटर विज्ञान का, बहुत ही बढ़िया भाई। जन्म की तारीख 90 है, तो 14 तक ये 24 साल के हो जाएंगे, तो इनकी उम्र भी 21 से 30 के बीच की है। तो आप बताओ इसका सिलेक्शन करें या फिर ना करें, इसके साथ क्या करें? तो अब आपको पता है इसके पास डिप्लोमा डिग्री तो है नहीं, डिप्लोमा डिग्री अगर नहीं होती है तो भैया क्या किया जाता है? तो आपको पता है अगर डिप्लोमा डिग्री नहीं है, सिलेबस में इस कंप्यूटर साइंस था, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के पास मामला चला जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो इनका मामला कहाँ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पास मामला इनका चला जाएगा, क्योंकि बीएससी में इन्होंने पढ़ा है ना, डिप्लोमा डिग्री नहीं है और एक विषय के रूप में इन्होंने कंप्लीट किया है। अगर भैया विषय के रूप में यहाँ पे आप पढ़ोगे तो फिर आपका मामला वाइस प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो बताएं बच्चे यहाँ पे चीजें क्लियर है या नहीं, है ना? ठीक है, बच्चे आधे बोर हो गए होंगे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का लगातार जो भी पढ़ रहे हैं उनका आंसर एकदम सही आ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ लिखा था, ऑप्शन नंबर बी में लिखा था कि वाइस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा मामला। दसवें का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, तो भैया कमेंट करके बता दे दसवें का भी, तो बहुत ही बढ़िया भैया। इमरान, सुधीर, पुष्पेंद्र, नीरज, रूपम, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलते हैं आगे सवाल नंबर 11 की ओर। बीकॉम से ग्रेजुएशन 56%, ग्रेजुएशन में 56, अपन को चाहिए थे 55 शायद, है ना? तो इनका 56% है, मतलब ग्रेजुएशन में तो इनका सही है। एचएससी में इनके 59 एचएससी, और अपन को भैया देखने हैं कि एचएससी में चाहिए कितने थे, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। एचएससी में चाहिए अपन को 73, यही तो था। एचएससी में चाहिए इनका नहीं, ये था एचएससी में चाहिए 60, ग्रेजुएशन में चाहिए 55, ग्रेजुएशन में अपन को 55 चाहिए है और एचएससी में 60, ग्रेजुएशन में 55 एचएससी में 60, ये सही है और ये भी, ये ठीक नहीं है, एचएससी में ये फेल है। एचएससी में इनके 60% से कम है, जबकि उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी, मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आपके 60% तो मिनिमम होने ही चाहिए, तो इसका मतलब है इनका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बताएं यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं, है ना? तो बहुत ही बढ़िया भैया, सभी लोगों का आंसर बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं। नित्या गुप्ता आ चुकी हैं, कह रही गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग नित्या गुप्ता को, है ना? रूपम रॉय, तान्या, भूरी, नीरज, सभी लोगों का आंसर बेहतरीन तरीके से आ रहा है। उम्मीद करते हैं 11 सवाल तक आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अपन सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 भी अच्छा सवाल है, नॉर्मल सवालों की तरह ये भी है, आसान सा सवाल है ना। तान्या सिंह का ई आंसर आ रहा, रूपम रॉय ई, भूरी ई, और नीरज कुमार ई, इमरान का भी, तो भाई बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सबका आंसर यहाँ पे एकदम सही आ रहा है। ठीक है, अब बताएं बच्चे इनका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, है ना? चलिए बताएं, जल्दी से पढ़ो, पॉइंट बनाओ और आंसर निकालने की कोशिश करो, है ना? देखिए ये चीजें कठिन होती हैं, तभी सब कोई नहीं पढ़ाता और बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। पेपर में आ जाता है फिर ये लगता है कि अरे यार ये पढ़ लिया होता तो फिर थोड़ा सही रहता, है ना? पहले बच्चे खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाते तभी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बार कंप्लीट करा देना है सिलेबस, जिन बच्चों की इच्छा होगी वो पढ़ लेंगे, जिनकी नहीं होगी तो वो नहीं पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, जानकारी पढ़ के अध्ययन कीजिए, ठीक है? मेधा एक बैंक मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋणों का वितरण कर रहा है, ठीक है, और जो भी इनका पूरा करेगा उनको ऋण जो है ना उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख ले रहे हैं, पहली चीज है नागरिक हो, नागरिक, नागरिक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अगर आपको ऋण चाहिए है तो।
दूसरा है भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय में किसी भी पोस्ट में ग्रेजुएट पास ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट हो, ठीक है, मास्टर्स या पीजी डिप्लोमा में प्रवेश उसे मिला हो। आगे, पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में 60% अंक मिले हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि प्रवेश परीक्षा जो हुई थी ना उसमें 60% अंक मिले हो, नागरिक हो, ग्रेजुएशन हो उसके पास, और 60% अंक मिले होने चाहिए कम से कम प्रवेश परीक्षा में, ठीक भाई। आगे देखो, उसके पास ऋण राशि के समान संपत्ति या LIC पॉलिसी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है ऋण के बराबर, जितना आप ऋण ले रहे हो उसके बराबर LIC या फिर आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बस ये चार पॉइंट जो समझ गया वो सवाल तुरंत उड़ा ले जाएगा, उसको चीजें बहुत आसान यहाँ पे लगेंगी, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है, वो घबरा रहे होंगे, आधे बच्चे तभी छोड़ के भाग भी गए होंगे कि हमें नहीं पढ़ना, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें चीजें समझ में आएंगी, उनको इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि मैं आपको सिंपल वे में यहाँ चीजें समझा रहा हूँ तो आप चीजें समझ सकते हो अच्छे से, है ना। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये सवाल पेपर में मिलेंगे तो फिर आपको दिक्कत उतनी घबराहट नहीं होगी, जब फर्स्ट टाइम अगर देखा ही नहीं है फिर जब क्वेश्चन करोगे तो घबराहट होती है मन में। देखिए कह रहे अगर सेकंड पॉइंट पूरा नहीं है ना तो मामला ऋण समिति के पास जाएगा, मामला ये वाला ऋण समिति के पास जाएगा, अगर सेकंड पॉइंट पूरा नहीं है ऋण समिति के पास जाएगा, ठीक है, हमने सुन ली इनकी बात, ऋण समिति के पास इनका मामला जाएगा। आगे कह रहे हैं अगर चौथा नहीं है तो तृतीय पक्ष की गारंटी होगी जिसका बैंक में खाता है। चौथी चीज मान लो उसके पास ऋण लेने के बराबर LIC पॉलिसी या प्रॉपर्टी उसकी नहीं है तो इस केस में मामला कहां जाएगा, तृतीय पक्ष के पास, थर्ड पार्टी मतलब कि उसके हस्ताक्षर लगेंगे जिसका बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है, ये गारंटर बोल लो, गारंटर के साइन लगेंगे ऐसा आप कह सकते हैं। चलो आप सवाल लगाएं, अब बताओ ऋण मंजूर करना है ए ऑप्शन, बी कह रहा है ऋण मंजूर नहीं करना है, सी ऑप्शन कह रहा है कि समिति के पास भेजना है, डी हम तब लगाएंगे जब कह रहा है कि खातेदार में गारंटी ली जा सकती है, फिर कह रहे हैं कि निर्णय लेने के लिए डाटा अपर्याप्त है, तो इनके आधार पर आप इन बच्चों को देखेंगे कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं यहाँ पे घटेंगी, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लें खुद से और चीजों को देखें कि क्या चीज यहाँ पे होगी। तो भैया देखो ध्यान से, मिलिंद ने MIC विश्वविद्यालय अहमदाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए आवेदन करके प्रवेश पाया है, ठीक है भैया, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के लिए आवेदन पाया है, तो मतलब ग्रेजुएट तो वो है ही वो, और उसके पास ऋण राशि के समान LIC पॉलिसी है, ठीक है भैया, ग्रेजुएट भी है, ऋण बराबर LIC पॉलिसी। आगे अगला पॉइंट क्या है, 70% ग्रेजुएशन में उसने अंक प्राप्त किए हैं, ग्रेजुएशन में कितने परसेंट, 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले यही बात थी, ग्रेजुएशन हो 60% अंक हो तो उसके 70 हैं, ऋण के बराबर LIC हो तो उसके पास है, वो भारत का नागरिक है कि नहीं है देखते हैं, और वह एक भारतीय नागरिक भी है, तो भैया और क्या चाहिए, जान चाहिए क्या, बिल्कुल नागरिक भी है, तो भैया नागरिक भी है, ऋण के बराबर पॉलिसी भी रखे है, ग्रेजुएशन भी है उसके पास 70% की उसके पास वो भी है, तो अब आप ये देख सकते हो मिलिंद का चयन करें या ना कहें, मतलब कि इसके पास ऋण मंजूर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, इसके पास चारों ही कंडीशन है, ग्रेजुएशन तो है, 70% तो है, ऋण की पॉलिसी तो है, नागरिक भी है, तो और क्या चाहिए, जान चाहिए क्या, तो इसका मतलब इसके लिए ऋण मंजूर हो जाएगा, ऋण मंजूर ऑप्शन नंबर ए, जितना भी ऋण से मिल रहा है वो ऋण मंजूर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे अपने सवाल नंबर 13 की ओर, 13 को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और बताएं, अनिल एक भारतीय है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि भारत का नागरिक है, पहली कंडीशन तो उसने फुलफिल कर दी। आगे ये तीन चीजें और चेक कर लेते हैं, कह रहे प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री के लिए प्रवेश पाया है, बहुत बढ़िया, और 82% अंक, तो हमें तो चाहिए 70-60 में ही काम हो रहा था, तो इसके तो 80-82% तो बहुत बढ़िया भाई, 82% अंक, नागरिक भी है और 82% अंक भी है। आगे देखो,
फिर कह रहे हैं वह परीक्षा में प्रथम आया है, उसका परिवार उनके घर का उपयोग करना चाहता है, बतौर प्रभुति का मूल्य ऋण राशि के समान है। ठीक है, ऋण जो है ना वो संपत्ति के बराबर है, मतलब जितने का ऋण ले रहा है उतने की संपत्ति तो उसके पास है ही। क्लियर है मामला। नागरिक है, ग्रेजुएशन भी है, 82% भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया, इसका मतलब ग्रेजुएट तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, और दाखिला लिया है 82% अंकों के साथ प्रवेश में। तो आपको पता है ग्रेजुएशन भी है, 82% भी है, नागरिक भी है, और ऋण के बराबर उसकी संपत्ति भी है। तो भैया यहाँ भी इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 13वें का भी ऋण मंजूर हो जाना चाहिए। इसका साथ भी क्या होगा, ऋण मंजूर हो जाएगा, ऋण मंजूर। देखिए मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नई लग रही होंगी, ये चीजें कभी नहीं पढ़ी है ना, तो इसलिए चीजें ये कठिन थोड़ी लगती हैं। देखिए 13 का ए बच्चों का आंसर आ रहा है, 12 का भी आ रहा है ए आंसर, 13 का भी बच्चे आंसर। ठीक है भैया, 13वें का भी ए आ रहा है, तो मैं नाम ले लेता हूं थोड़ा। कमल, बाबूराव, नीरज, तान्या, स्वामनी, सुनीता, रूपम, रेशमा, पुष्पेंद्र, भूरी, बरसा, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से सभी बच्चे जो बेहतरीन है वो आंसर सारे दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी भाई। सोनाली का भी, कमल का भी और इमरान का भी आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया भाई, दोनों के लिए ऋण मंजूर हो जाएंगे। तीसरे वाले को और चेक कर लो, तीसरे वाले की क्या कहानी है। मारिया ने NBT में 75% अंक पाकर, तो अंक कितने हैं 75%। ठीक है भैया, भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, वो राष्ट्रीय लग गया होगा। ऋण राशि की प्रतिभूति के रूप में देने के लिए उसके पास संपत्ति भी है, समझ रहे हो, संपत्ति भी उसके ऋण के बराबर है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंडर ग्रेजुएट डिग्री की अवधि 3 वर्ष है। तो अब आप बताओ इसका सिलेक्शन होगा या नहीं। मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं। एक तो इसने क्या किया है, अपनी कंडीशन पूरी की है, नागरिक नागरिक है, तो ये बात चलो इनकी सही लगी, नागरिक है। नागरिक के साथ इनका क्या हुआ, नागरिक नागरिक के साथ भैया फिर उन्होंने क्या किया, इनके पास प्रतिभूति भी है, सिक्योरिटी भी है, ऋण बराबर, ऋण भी, ये ऋण वाली कंडीशन भी इनकी पूरी है। आगे इनका क्या हुआ, 75% अंक पाकर, तो इनका वो भी ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट है या नहीं, है ना, अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है, अंडर ग्रेजुएट है ये, बात समझ रहे हो, ये ग्रेजुएट नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट है, जबकि हमारी कंडीशन थी कि ग्रेजुएट होने चाहिए। इसका मतलब इनका सिलेक्शन तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इनके लिए जानकारी यहाँ पे अधूरी होगी, है ना, जानकारी इन्होंने पूरी नहीं दी है कि ये ग्रेजुएशन में इन्होंने क्या किया है, तो जानकारी अधूरी है, जानकारी इन्होंने पूरी नहीं दी है। ग्रेजुएशन के बारे में बताओ, इन्होंने अंडर ग्रेजुएशन के बारे में तो बता दी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है, तो आप ये तो बताओ इन्होंने ग्रेजुएशन किया है या नहीं, जानकारी इन्होंने पूरी नहीं दी है, तो इस चक्कर में हम क्या आंसर लगाएंगे इनका, जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी के लिए कौन सा आंसर टिक होता है, जानकारी डाटा पर्याप्त, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा तभी बच्चे आंसर ये आंसर दे रहे हैं किसका, 14वें का, तो बहुत ही बढ़िया भाई, है ना, 14वें का आंसर बी नहीं आएगा, आंसर यहाँ पे ई आएगा, बी का मतलब हो गया ऋण मंजूर नहीं करना, नहीं आपने जानकारी तो दो ग्रेजुएशन वाली, ग्रेजुएशन की आपने जानकारी नहीं दी है, बाकी 3 पॉइंट तो आपके मैच हो गए, ग्रेजुएशन की आपने जानकारी नहीं दी, इन्होंने ये बता दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसके अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष है, है ना, तो ग्रेजुएशन में क्या है वो चीजें आपको बतानी, ग्रेजुएशन के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, जानकारी इन्होंने अधूरी दी है। चलो सुधीर के बारे में और जानकारी निकालो फटाक से, कि सुधीर भैया के साथ यहाँ पे क्या होगा, ऐसी कौन सी घटनाएं सुधीर के साथ घट जाएंगी, है ना, बस इन्हीं 3 सवालों करेंगे, बाकी के सवाल आप PDF में ले लेंगे, घर से लगा के लाएंगे, है ना। तो चलिए इस सवाल में देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए आवेदन किया है, नागरिक भी है, तो चलो मैं यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ, भाई साहब नागरिक भी है, तो सबसे पहली कंडीशन इनकी पूरी हो गई, नागरिक है, यहां तक चीजें क्लियर है, नागरिक तो है, प्रवेश परीक्षा में 60% अंक पाकर, और आपको यहां देखना है कि प्रवेश परीक्षा में कितने अंक चाहिए थे अपन को, 60 ही%, मतलब ये वाली बात भी इनकी एकदम ठीक है, तो ये वाली बात भी इनकी एकदम सही लिखी है। आगे कह रहे हैं अंक पाने पर उसे प्रवेश मिल गया, बहुत बढ़िया भाई, खुशी की बात है, प्रतिभूति के रूप में देने के लिए उसके पास संपत्ति नहीं है, लेकिन संपत्ति के नहीं है तो लेकिन बैंक में पिताजी का खाता है और ऋण के लिए गारंटी देने को तैयार,
तो ऐसी कंडीशन आई थी, आपको पता है इसमें तीनों पॉइंट पूरे हो रहे हैं, 60% नागरिक और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया है आवेदन के, इसका मतलब ग्रेजुएट तो वो है ही, है ना, ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास है, अप्लाई किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, कितने परसेंट अंक, 60% अंक यही चाहिए थे अपन को। आगे क्या कह रहे हैं कि भारतीय नागरिक हो तो नागरिक भी है भाई, आगे क्या कह रहे हैं कि ऋण देने के लिए उसके पास प्रतिभूति नहीं है, संपत्ति नहीं है, लेकिन पिताजी क्या है, गारंटर बनने के लिए तैयार है। तो आपको पता है इस केस में क्या होगा, इस केस में किसी खातेदार की गारंटी ली जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो जिसने ये ऋण वाला पॉइंट पूरा नहीं किया होगा, ये वाला लिखा था मैंने बताया था, जो व्यक्ति चौथा पॉइंट पूरा नहीं करेगा वो भाई थर्ड पार्टी का हस्ताक्षर यहाँ पे करवाएगा। तो थर्ड पार्टी के हस्ताक्षर के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बना हुआ है, तो भैया डी टिक कर देंगे, किन के लिए, सुधीर के लिए, सुधीर के लिए आंसर डी होगा, पिताजी के हस्ताक्षर करवाने होंगे, हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने होंगे, हस्ताक्षर यहाँ पे लगेंगे। तो इतनी बात क्लियर है, तो चलते हैं आगे। सवाल नंबर 16, आनंदी का बताते हैं, आनंदी का सिलेक्शन, उसको ऋण मिलेगा या फिर नहीं, है ना, तो देखते हैं बच्चे आंसर 15वें का डी दे रहे हैं या नहीं। 15वें का डी सबसे पहले आंसर सुनीता, फिर आया है 15वें का डी सुनीता, के बाद आया है नीरज कुमार, बहुत बढ़िया, रूपम, बहुत बढ़िया भाई, है ना, और फिर मुस्कान, सुधीर, स्वामिनी, निधि, तान्या, सोनाली, भूरी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, है ना, बाबूराव भी का भी आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त भाई। चलिए देखते हैं इलाहाबाद बैंक क्या हुआ है, 72% अंक शायद, तो सबसे पहले हमें 60 चाहिए थे, इनके पास 72 हैं, तो बहुत खुशी की बात है, इन्हें बधाई हो। आगे देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में प्रवेश पाया है, इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश पाया है, तो ये भी बात इनकी ठीक है, 72% अंक है, ये भी बात ठीक है। उसके पास ऋण राशि के समान LIC पॉलिसी है, भारतीय नागरिक, और क्या ही चाहिए यार। अब आप ये देखो, इसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रवेश लिया है, अंक भी 72 है, LIC की पॉलिसी है ऋण के बराबर, और क्या कह रहे हैं, भारतीय नागरिक है, अगर इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर जान से मार देंगे, है ना, इनका मंजूर हो जाएगा, मंजूर होगा भैया, इनका मंजूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं आगे, सवाल नंबर 17 की ओर, जल्दी से पढ़े इस सवाल को, कह रहे भारतीय नागरिकों के लिए गणित में मास्टर्स की डिग्री के लिए चंडीगढ़ में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में रवि ने प्रवेश पाया, मास्टर्स के लिए प्रवेश पाया, तो बहुत बढ़िया, एंट्रेंस का स्कोर और बता दो, प्रवेश पा लिया इन्होंने पोस्ट मास्टर्स के लिए प्रवेश, 68%, तो बहुत बढ़िया, शानदार भाई, 68% अंक है, हमारे मिनिमम 60 थे, तो ये बात इनकी यहाँ पे भी ठीक है, 68% अंक प्राप्त किए, ऋण के समान उसके पास कोई प्रतिभूति नहीं है, तो प्रतिभूति नहीं है तो हस्ताक्षर लाओ थर्ड पार्टी के, कह रहे हैं तथापि उसके नियोक्ता जिसका बैंक खाता में ऋण की गारंटी देने के लिए तैयार है, तो फिर क्या ही दिक्कत है, इनका फिर आंसर क्या होगा 17वें का, इनको फिर हम क्या कहेंगे, खातेदारी की गारंटी देंगे, गारंटी पे जाएंगे थर्ड पार्टी की, गारंटी पे जाएंगे। देखो आप ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हो, पॉइंट नंबर चार यही कहता था, जिस व्यक्ति के पास चौथा पॉइंट नहीं है तृतीय पक्ष की गारंटी के लिए जिसका बैंक में खाता है, तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, कौन सी, थर्ड पर्सन का यहाँ साइन साइन लगेगा बस, और ये किस ऑप्शन में लिखा है, तो आप देख सकते हो लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गारंटी लगेगी। ठीक है, तो इतने आसान होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते सवाल, बस इनका वो बनाया रहता है डर, बहुत सारे बच्चे डरते रहते, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक्स सर, लव यू, तो लव यू टू भाई। ठीक है, आकाश भाई, तो भूरी कुमारी का डी आंसर, इमरान का, पुष्पेंद्र का, भुवन का, सुधीर, वर्षा, मीना, मुस्कान, बहुत ही बढ़िया, शानदार भाई, सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। देखिए मैंने इतने सवाल आपको करवा दिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, बस मेरा मकसद था कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कॉन्सेप्ट आपको सिखा सकूँ। ये भी आप सवाल पढ़ेंगे तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, कह रहे हैं कि इतनी इतनी डेट को 16 से कम का नहीं हो, 24 से अधिक, एज हो गई 16 से 24, है ना, और फिर 15,000 रुपये जमा करने हैं, फिर हर महीने 1,000 लगने, अगर आपके पास 25,000 हैं तो दे दो, फिर मंथली नहीं लगेंगे, है ना, तो इतनी सारी जानकारी के हिसाब से वो 5 ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट वो पूरा करना चाहिए, तो फिर उन्हीं के हिसाब से ये अमी का आंसर यहाँ पे देना है कि इसकी सदस्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, आंकड़े अधूरे हैं या इनमें से कोई नहीं। आगे ऐसे एक सवाल और है यहाँ पे कि सत्यन के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये अपने सवाल थे,
आशा करते हैं कि आपको ये सवाल आज के पढ़ के मजा आया होगा। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ आज अपन ने कौन कौन से सवाल किए। ये सवाल किए थे, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये भी, ये एक और दो उसी के सवाल थे, फिर उसमें ही तीन और चार, तो पहले वाले सवाल से चार सवाल लगने थे, एक दो तीन चार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, पाँच से ग्यारह है ना, फिर अपन ने ये वाला सवाल इधर पे लगाया था, पाँचवा छठवा, बहुत बढ़िया भाई, सातवा आठवा नौवा, ये सारे दूसरे पैटर्न के सवाल थे, ये दूसरे वाले से आंसर देना था। दसवा ग्यारहवा, इसमें भी सबके आंसर अपन ने सिलेक्ट कर लिए थे। देख लो कितने आसान होते हैं, बस आपको पॉइंट चेक करने, अगर पॉइंट आपके वेरीफाई हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वेरीफाई करना जरूरी है इनमें, है ना। आगे देखो, आगे इसमें क्या है, बारह से सत्रह कुछ नहीं है इसमें, ऋण मंजूर, ऋण मंजूर होगा नहीं होगा जानकारी अधूरी है, इस टाइप के आंसर यहाँ पे भी देने थे। हस्ताक्षर करा लो अगर आपके पास प्रतिभूति नहीं है, तो बस इतनी सिंपल सी हैं, है ना चीज़ें, तो बस इतनी उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आप लोग लगाएंगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। आप बस इतने सवाल जो मैंने करा दिए इनसे आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, पेपर का आपका कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं छूटेगा, आप जो भी पेपर देने वाले हो। सर होमवर्क दे दीजिए प्लीज़, नीरज कुमार। हाँ भैया होमवर्क दे दिया हमने, लास्ट वाला सवाल आपको घर से लगा के ही लाना है। भूरी कुमारी कह रही है यू आर बेस्ट टीचर, अरे नहीं बेस्ट टेस्ट नहीं है वो, तो आप लोगों का प्यार है। मोहिनी शर्मा कह रही है थैंक यू सर, तो थैंक यू मोहिनी, है ना। स्वामी भदौरिया कह रही है थैंक यू सर, पुष्पेंद्र भी थैंक यू, तो भैया सभी लोगों को थैंक यू। सुधीर कुमार कह रहे हैं थैंक सर जी, है ना, तो बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार, है ना। भूरी कुमारी का मैसेज भी आ चुका है गुड नाइट सर, है ना, तो लव यू सर इमरान, तो लव यू टू भाई इमरान भाई, है ना। ठीक है भैया, सभी लोगों के मैसेज शानदार तरीके से आ चुके हैं, शानदार जबरदस्त बेहतरीन, है ना। तो जितने भी लोग देख रहे हैं आशा करते हैं आपको क्लास मजा आया होगा सब पढ़ के, और चीज़ें बहुत सारी नई सीखने को मिलेंगी। आपको मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने में कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर करके बताएं, क्या आपने ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसी चीज़ें पहले कभी पढ़ी थी, या आपको वही पुरानी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाया करें मैं चीज़ें सही कर भी रहा हूँ या नहीं। वैसे मुझे पता है मैं चीज़ें सही कर रहा हूँ, आपको एकदम सही कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया भाई, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में 5:45 पे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग, और जय हिंद।